सो हेलो गाइस, एक्सप्लोरर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो मेरा वीडियो है एक्चुअली ओवरव्यू ऑफ सेंट्रो स्पोर्ट्स मॉडल। एक्चुअली ये मेरा दोस्त अग्निव का है 2019 मॉडल। सो इसमें आपको एक रिमोट सेंसर की मिलेगा, एक ही की मिलेगा और एक नॉर्मल की, मतलब एकदम ही नॉर्मल की, उसमें कोई भी स्विच नहीं होगा। और ये जो आपको की मिलेगा इसमें, मतलब ये कोई एलम वाला मतलब फीचर्स नहीं है, ये सिर्फ लॉक एंड अनलॉक करने के लिए एक स्विच मतलब की होगा। ये है सेंट्रो का स्पोर्ट्स मॉडल। स्पोर्ट्स मॉडल से आपको जो है फॉग लाइट मिलेगा एंड ये नॉर्मल हेडलाइट है, हैलोजन बल्ब। इधर आपको इंडिकेटर मिलेगा एंड ये है पायलट लैंप के लिए। सो या इधर वाइपर नॉर्मल, मतलब ऑटो नहीं, नॉर्मल वाइपर, वो है एंटेना फॉर एफएम के लिए। इधर आपको इंडिकेटर इस साइड पे नहीं मिलेगा, इधर आपको एलईडी इंडिकेटर मिलेगा। इट्स एक्चुअली ओवरऑल कार सी, मतलब ये एक्चुअली परफेक्ट फैमिली कार है। ये मेरे दोस्त 2019 पे लिया था, शायद ही 5.5 टू 5.8 लाख के आसपास। सो उस टाइम पे ये गाड़ी एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी था। अभी हालांकि ये गाड़ी एक्चुअली डिसकंटिन्यू कर दिया, इसके मतलब इसके रिप्लेस में जो हुंडई इनमें गाड़ी लिया वो है नियोस। उसका प्राइस अभी मतलब इससे तो ज़्यादा ही है। सो अगर आप मतलब ये सेंट्रो प्रियोन में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसका एक्चुअली माइलेज बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट 20-22 के आसपास आपको मिलेगा हाईवे पे, और नॉर्मल सिटी पे आपको 18 के आसपास मिलेगा। सो यू डू गेट दैट 14 इंच स्टील रिम विथ व्हील कवर। सो ये है डिफॉगर इन रियर साइड पे, ये है हाई माउंटेड स्टॉप कंट्रोल मीन्स सॉरी हाई माउंट स्टॉप लाइट। इधर आपको हुंडई का बैच मिलेगा, ये आपको की से ओपन करना होगा। इधर आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच नहीं मिलेगा, जो अभी आप मतलब जो मतलब इस टाइम पे गाड़ी पे जो मिलता है वो नहीं है। ये नॉर्मल की से ओपन करना होगा, नहीं तो आप उधर से ओपन कर सकते हो। ये है बूट, इधर है पार्सल ट्रे, मतलब स्पोर्ट्स मॉडल या स्पोर्ट्स मॉडल के ऊपर से ही आपको ये पार्सल ट्रे मिलेगा। और ये है टोटल बूट स्पेस, नियरली 200-300 के आसपास होगा, जितना होगा मैं एक्चुअली कैप्शन पे दे दूंगा। और इधर आपको मिलेगा 13 इंच स्टील रिम, हालांकि ये स्टील रिम ही है तो हुंडई एक्चुअली 13 इंच क्यों दिया मुझको मालूम नहीं, बट देना चाहिए था तो 14 इंच ही, लेकिन क्या करे, कॉस्ट कटिंग के वजह से शायद दिया वो चीज़। सो इधर है जो है एक्चुअली फर्स्ट एड किट हुंडई से मिला था। सो एक्चुअली जो स्पेयर व्हील है वो मेरे दोस्त ने अभी तक यूज़ नहीं किया, देखा आपने, प्रोडक्ट टोटली ब्रांड न्यू है। अब देखिए पूरा टोटल अनटच। सो दिस इज ऑल दैट थिंग मीन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दैट सेंट्रो। सो अभी मैं अंदर जाता हूँ, मतलब इंटीरियर पे कार का वो एक बार देखा देता हूँ। इधर आपको कीलेस का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब सेंट्रो का कोई भी मॉडल पे नहीं है। सेंट्रो में आपको DRL भी नहीं मिलेगा कोई भी मॉडल पे। फोर एसी वेंट, अब देख लो फोर एसी वेंट। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे जो म्यूजिक सिस्टम है 5 इंच का शायद ये मिलेगा। इधर आपको एसी का कंट्रोल, इधर आपको डेडिकेटेड बटन है फॉर म्यूजिक को मतलब कंट्रोल करने के लिए। इधर भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा। ये हुंडई का जो बैजिंग है, इधर कोई क्रोम का ऑप्शन नहीं है, मतलब क्रोम नहीं दिया, ये नॉर्मल ब्लैक कलर पे ही है। सो या एक बोतल होल्डर मिलेगा, देखिए मतलब ये कप होल्डर है, मतलब कप रखने का एक जगह कप होल्डर। इधर आपको एक फ़ोन रखने का जगह है, और ये नॉर्मल है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये एक USB पोर्ट दिया है फॉर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले। ये है ग्लव बॉक्स, इधर आपको एक्चुअली एक 1 लीटर का बोतल, एक 1/2 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, और ये नॉर्मल लॉक ओपन करने के लिए है। और इधर आपको मिलेगा पावर विंडो कंट्रोल करने का लिए मतलब स्विच, एक ही स्विच है यूनिवर्सल फॉर फास्ट रो मीन्स ड्राइवर रो। और इधर आपको मतलब रियर साइड पे मिलेगा दोनों साइड पे दोनों स्विच। सो इधर आपको मिलेगा इंटीरियर लाइट, और मैंने बोला जो एक्चुअली मतलब इंटीरियर के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल एक वीडियो दूंगा। सो दिस इज द थिंग 165/70। सो ये अभी आप देख लो, मैं एकदम एंड पे हूँ और मेरा हाथ अभी देख लो इतने तक जा रहा है। सो ये एक्चुअली जो रियर सीट है ये दोनों आदमी के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर 3 आदमी बैठना चाहता है तो थोड़ा सा
मतलब दिक्कत करके बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये है तो ये है टोटल लेग स्पेस, मैं हूँ 5'5" तो अब देख लो इतना तक है ये टोटल जो सीट है, ये टोटल मतलब लास्ट तक आया है, उसके बाद भी इतना आपको लेग स्पेस मिलेगा। मैं हूँ 5.5 का एक्चुअली मेरा हाइट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। ये एक्चुअली रियर सीट है, इधर से आप देख लो ये इंटीरियर एक्चुअली प्यारा लग रहा है गाड़ी का, मतलब स्वीट सा लगता है एक्चुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। और ये है पेट्रोल नॉब, इधर आपको जो है मतलब ये एक्चुअली शायद मुझको लगता है 35 लीटर है पेट्रोल टैंक का स्टोरेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। अभी मैं एक बार इंजन का पार्ट दिखा देता हूँ। सो इधर से आपको ओपन करना पड़ेगा बोनेट को। ये एक्चुअली 1.1 लीटर का हुंडई का इंजन है, MPI इंजन। हालांकि बहुत ही रिफाइंड है और इंजन का एक्चुअली माइलेज भी मतलब लाजवाब है मैं तो बोलूँगा। इधर आपको कोई भी इंसुलेशन पैनल नहीं मिलेगा और ऑलमोस्ट माई मतलब मेरे जो दोस्त है वो 20 से 22 तो हाईवे पे निकलते हैं और सिटी पे लगभग 18 के आसपास मिलता है। इधर है आपको ABS का यूनिट, ये है टोटल इंजन का पार्ट, इधर है इंजन कूलेंट का चेंबर, ये है ब्रेक के लिए मतलब ब्रेक ऑयल का चेंबर, ये है वाइपर मतलब वाइपर फ्लूइड का चेंबर। सो इधर है बैटरी। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, मीन्स इंजन पार्ट ऑफ दैट सेंट्रो। सो या सो हालांकि गाड़ी अभी डिस्कंटिन्यू कर दिया, तो अगर आप चाहो तो आप प्रियोन मार्केट में 3-4 लाख पे आपको मिल जाएगा ये गाड़ी। सो इट वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट फैमिली कार विद इन द रेंज ऑफ 3-4 लैक्स। सो आपके पास वागनर होगा, ये सेंट्रो भी आपको मिलेगा। हालांकि मतलब मैं तो बोलूँगा नियोस से ये जो वेरिएंट है और ये सेंट्रो जो है वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, क्योंकि मतलब नियोस पे जो मतलब ये जो फीचर्स है, ये वाला जो फीचर्स आपको नियोस पे मिलेगा वो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास जाएगा। तो उस टाइम पे 2019 पे मेरे दोस्त लिया था 5.5 to 5.8 के आसपास। मतलब अगर आपको जो है ORVM का एक्चुअली ये हालांकि ये जो ORVM है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, नॉट फोल्डेबल। तो इसके लिए वो फोल्डेबल का जो ऑप्शन है इधर मिलेगा, देखिए लेफ्ट और राइट मिरर करके आपको ऐसे ऐसे करना है तो होगा। और ये है हेडलाइट लेवल एडजस्टर के लिए। और गाड़ी अभी चल चुकी है 19,503 किलोमीटर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो या थैंक यू।